हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, राजस्थान पटवार भर्ती परीक्षा के लिए राजस्थान भूगोल की क्लासें स्टार्ट की गई थी, जिसमें अपनी एक क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें मैंने आपको राजस्थान के भौतिक विभागों के बारे में बताया था। एक अपना नॉर्मल वीडियो था दोस्तों। ये आज अपनी दूसरी क्लास है, लेकिन आज अपन इसको पहली क्लास मानेंगे और श्री गणेश करेंगे राजस्थान के भूगोल का, ठीक है। तो दोस्तों, इस क्लास को आप पूरा देखोगे तभी आपके समझ में आएगा कि आपने क्या पढ़ा है। इस क्लास को देखने के बाद में दोस्तों आपको कोई भी किताब या क्लास लेने की ज़रूरत है वो बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। इसमें दोस्तों आपके समय की भी बचत होगी, ठीक है। आप पूरी क्लास एक बार लेके देखना और फिर कमेंट करके बताना कि आपको ये क्लास है वो कैसी लगी। तो दोस्तों, आराध्या आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को दबाएँ, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। श्री गणेश का नाम लेके दोस्तों अपनी ये क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कि जैसे भूगोल क्या है। तो भूगोल क्या है, तो दोस्तों भूगोल है वो, देखो भू, भू का मतलब क्या होता है, पृथ्वी, गोल का मतलब अध्ययन, ठीक है। तो देखो, पृथ्वी का अध्ययन करना ही भूगोल कहलाता है। पृथ्वी का अध्ययन करना ही भूगोल कहलाता है। अब पृथ्वी का अध्ययन अपन कैसे करेंगे, तो उसकी क्या करेंगे, आयु की गणना करेंगे। क्या करेंगे, आयु की गणना, ठीक है। तो आयु की गणना को क्या कहते हैं, तो रेडियो एक्टिव डेटिंग। याद रखना, पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए उसकी आयु की गणना करते हैं, उसको क्या कहते हैं, तो रेडियो एक्टिव डेटिंग कहते हैं। याद रखना दोस्तों इस चीज़ को, ठीक है। देखो, सबसे पहले ग्रीक भूगोलवेता अर्थेस्टोट ने भूगोल का नाम दिया था, ठीक है। सबसे पहले ग्रीक भूगोलवेता थे जिनका नाम था अर्थेस्टोट ने दोस्तों भूगोल का नाम दिया था, जिसे जियो प्लस ग्राप्स यानी कि पृथ्वी का अध्ययन, ग्रीक शब्दों से बना हुआ है ये जियो प्लस ग्राप्स, ठीक है, याद रखना इस चीज को, ग्राप्स। देखो, भूगोल का पिता है वो किसे कहते हैं, तो भूगोल का पिता है वो दोस्तों, याद रखना इस चीज को, इसमें पिता भी दो हैं, ठीक है। तो देखो, भूगोल के पिता, भूगोल के पिता कौन है, हिफेटियस जो यूनानी है, उन्हें दोस्तों भूगोल के पिता के नाम से जाना जाता है। और देखो दूसरा, सुव्यवस्थित आधुनिक भूगोल के पितामह कौन है, तो आप सभी जानते होंगे कि इरेटोस्थेनीज को दोस्तों आधुनिक भूगोल के पिता कहा जाता है। इन्हीं ने सर्वप्रथम ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया था। ज्योग्राफी शब्द का जो प्रयोग है वो सबसे पहले किसने किया था, तो इरेटोस्थेनीज ने किया था, जिनको आधुनिक भूगोल का पिता भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखो, राजस्थान के संदर्भ में आ जाते हैं अपन। तो राजस्थान क्या है, तो राजस्थान क्या है, राजस्थान, राजस्थान एक राज्य या प्रांत है। राजस्थान एक राज्य या प्रांत है, तो वो किसका, तो वो है दोस्तों भारत का, ठीक है, भारत का राज्य या प्रांत है राजस्थान। अब राजस्थान का जो नाम है वो कब दिया गया, तो 25 मार्च 1948 को द्वितीय चरण हुआ था, ठीक है। तो द्वितीय चरण में दोस्तों राजस्थान को यह नाम मिला था, राजस्थान, ठीक है, द्वितीय चरण में नाम मिला था। अब देखो आगे, भारतीय संघ कब अस्तित्व में आया, तो दोस्तों भारतीय संघ, देखो इसमें राजस्थान से संदर्भ में भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। भारतीय संघ कब अस्तित्व में आया, तो दोस्तों भारतीय संघ है वो 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया, ठीक है। अब देखो, इस दिन राजस्थान को राज्य का दर्जा दिया गया, 20 श्रेणी के राज्य का, ठीक है। तो इस दिन यानी कि 26 जनवरी 1950 को राजस्थान को राज्य का दर्जा दिया गया, और वो भी कौन सी श्रेणी का, तो दोस्तों 20 श्रेणी का इसमें दर्जा दिया गया था, ठीक है। देखो, उस समय भारतीय संघ के प्रांतों को 4 भागों में बांटा गया था, ठीक है, यानी कि 4 श्रेणियों में बांटा गया था उस समय, जैसे ए बी सी डी, ठीक है। तो जिसमें बी श्रेणी का जो राज्य था उसका दर्जा दिया गया था राजस्थान को, ठीक है। देखो आगे, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1953 के तहत, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1953 के तहत, लाइन को पढ़ना दोस्तों, ठीक है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1953 के तहत राज्य पुनर्गठन आयोग 1956, फैजल अली आयोग,
ठीक है, इसने राज्यों की श्रेणी पद्धति को समाप्त किया, यानी कि राजस्थान को बी श्रेणी का दर्जा दिया गया था, लेकिन 1956 में जो राज्य पुनर्गठन आयोग जो समिति बनी थी, ठीक है, फैजल अली आयोग के अध्यक्षता में, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि जो राज्यों की जो श्रेणियों में बांटा गया था, राज्यों को जो श्रेणियों में बांटा गया था, ठीक है, उसको समाप्त कर दिया, यानी कि ए बी सी डी है वो सब समाप्त कर दिया। ठीक है, आगे देखो, राजस्थान क्षेत्र की दृष्टि से भारतीय संघ का सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारतीय संघ का सबसे बड़ा राज्य है। तो देखो, 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का विघटन हुआ। ठीक है, मध्य प्रदेश का है वो विघटन हुआ और छत्तीसगढ़ राज्य बना। मध्य प्रदेश का विघटन होके छत्तीसगढ़ नया राज्य बना था, कब? 1 नवंबर 2000 को। ठीक है, सन 2000 को। उसके बाद में दोस्तों राजस्थान है वो सबसे बड़ा राज्य बन गया था। आगे देखो, राजस्थान उत्तरी अक्षांश या उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, आप सभी को पता होगा। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध और उत्तरी अक्षांश में स्थित है राजस्थान। ठीक है, आप ग्लोब में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अक्षांश रेखाओं की संख्या है वो दोस्तों कितनी होती है ग्लोब पर? तो ग्लोब पर होती है दोस्तों 179, यानी कि 179 होती है ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की संख्या, और मार्गकित इस पे होती है दोस्तों 181। ठीक है, याद रखना अक्षांश रेखाओं की संख्या भी दो है। अब देखो, दो अक्षांश रेखाओं के बीच के समान को, सॉरी बीच के स्थान को, दो अक्षांश रेखाओं के बीच के स्थान को क्या कहते हैं? तो दोस्तों कटिबंध कहते हैं। दो अक्षांश रेखाओं के बीच के स्थान को क्या कहते हैं? तो कटिबंध कहते हैं। ठीक है, कुल अक्षांश संख्या 180। ठीक है, यानी कि इनकी संख्या है वो कितनी होती है? तो वो होती है दोस्तों 180। अब देखो, देशांतर ये जो रेखाएं होती है वो दोस्तों उत्तर से दक्षिण की तरफ होती है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की तरफ ये अर्धवृत्ताकार होती है। अर्धवृत्ताकार होती है ये देशांतर रेखा। ठीक है, अब देखो, दो देशांतरों के बीच की जो अधिक दूरी है वो 0 डिग्री पर 111 डिग्री 32 मिनट होती है। 111 डिग्री 32 मिनट होती है अक्षांश। देखो यहाँ पे दो देशांतर की बात हो रही है। ठीक है, तो रेखाओं के बीच के स्थान को गोरे कहते हैं। ठीक है, देखो ऊपर ले चलता हूँ मैं आपको, दो देशांतरों के रेखाओं के बीच के स्थान को क्या कहते हैं? गोरिया गोरे। ठीक है, और अभी मैंने आपको बताया था कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच के स्थान को क्या कहते हैं? तो कटिबंध कहते हैं। याद रखना, दो अक्षांश रेखाओं के बीच के स्थान को कटिबंध कहते हैं और दो देशांतरों के बीच के स्थान को क्या कहते हैं? गोरिया गोरे। याद रखना इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अब देखो राजस्थान की उत्पत्ति कैसे हुई। राजस्थान की उत्पत्ति अपन इसमें देखते हैं। तो अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीप विस्थापन का सिद्धांत दिया उसके अनुसार। ठीक है, अल्फ्रेड वेगनर ने दोस्तों महाद्वीपीय विस्थापन का जो सिद्धांत दिया था उसके अनुसार अपन बता रहे हैं कि सबसे पहले दोस्तों देखो पृथ्वी थी। ठीक है, तो ये इसमें पेंजिया और पेंथलासा ये था। पेंजिया मतलब इसमें 29% स्थल भाग था, इसको क्या कहते थे? पेंजिया कहते थे। ठीक है, और पेंथलासा किसको कहते थे? तो ये जलीय महासागर था, उसको कहते थे दोस्तों पेंथलासा। ठीक है, पहले पृथ्वी में दोस्तों जो स्थल महाद्वीप था उसको पेंजिया कहते थे और जो जलीय भाग था उसको पेंथलासा कहते थे। स्थल भाग है वो 29% पे था और जलीय महासागर का जो भाग है वो 71% का था। ठीक है, अब देखो पेंजिया है वो टूटता है।
ठीक है, पेंजिया टूटता है, एक भाग तो चला जाता है उत्तर की तरफ और एक चला जाता है दक्षिण की तरफ। उत्तर वाला भाग है वो अंगारा लैंड बन जाता है और दक्षिण वाला भाग है वो गोंडवाना लैंड बन जाता है। और जो ये पानी है, ये पानी दोस्तों ये क्या है कि इन दोनों के बीच में आ जाता है और इसको कहते हैं दोस्तों टेथिस सागर। ठीक है, क्या कहते हैं? टेथिस सागर। तो पेंजिया है वो दो भागों में बट गया, एक बट गया अंगारा लैंड में और एक गोंडवाना लैंड में, दो भागों में बट गया था और बीच में इसके टेथिस सागर आ गया। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था पेंजिया महाद्वीपीय भाग को कहा जाता है पेंजिया, और पेंथालासा ये महासागरीय भाग को कहा जाता है जो 71% पे है और ये 29% पे। ठीक है, अब आगे देखो उत्पत्ति। उत्पत्ति की अगर अपन बात करें तो देखो जीटी यहाँ पे लिख रखा है, जी का मतलब होता है गोंडवाना लैंड और टी का मतलब होता है टेथिस सागर। ठीक है, तो गोंडवाना लैंड है ये दो भागों में बटा, एक तो बटा दोस्तों अरावली में और एक बटा हाड़ोती या माल का पठार। हाड़ोती के पठार को दोस्तों अपन माल का पठार भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आप माल का पठार नाम नहीं सुना है तो दोस्तों वो ज़रूर आप ध्यान रखना, क्योंकि कई बार हाड़ोती की जगह माल का पठार लिखे दिया जाता है। ठीक है, तो देखो गोंडवाना लैंड है ये दो भागों में बटा, एक तो अरावली में और एक हाड़ोती का पठार या माल का पठार। ठीक है, तो प्राचीनतम भौतिक प्रदेश है वो कौन सा है? अरावली इसमें। ठीक है, अब देखो टेथिस सागर है ये दोस्तों दो भागों में ये भी बटा। ठीक है, तो एक तो बटा मरुस्थल में और एक बना मैदानी भाग में। ठीक है, और मैदानी भाग में दोस्तों नवीनतम भौतिक प्रदेश कहा जाता है मैदानी भाग को। ठीक है, याद रखना। अब देखो अरावली एवं हाड़ोती भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। ठीक है, जो अरावली और हाड़ोती है ये भारतीय जो प्रायद्वीपीय पठार है जो दक्षिण का है, ठीक है, उसका भाग है। ठीक है, मरुस्थल एवं मैदानी भाग भारत के उत्तर के विशाल मैदान का भाग है। तो मैंने देखो अगर आपने भारत का नक्शा नहीं देखा है तो दोस्तों ये देखो, तो ये वाला तो पार्ट रहेगा अपना इतना इतना वो रहेगा प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दूँ तो प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों ये जो पार्ट रहेगा ये रहेगा उत्तर का विशाल मैदान। ठीक है, तो इसका जो कुछ पार्ट है जो प्रायद्वीपीय पठार का वो दोस्तों इसमें अरावली और हाड़ोती में भी है। ठीक है, अरावली और हाड़ोती में भी है, और जो मैदानी भाग है जो उत्तर का जो विशाल मैदान है इसका भी मैदानी भाग है वो मरुस्थल में और मैदानी भाग है में है राजस्थान के में। ठीक है, तो इन दोनों का पार्ट है वो राजस्थान में है। ठीक है, अब देखो राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार में अपन क्या क्या पढ़ेंगे, तो अक्षांश और देशांतर। ठीक है, ये आज अपन पढ़ लेंगे अक्षांश और देशांतर। कल से अपन इसके जो सेकंड क्लास होगी, ठीक है, उसमें क्षेत्रफल, आकृति, सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा, ठीक है, ये पढ़ेंगे। तो देखो आज अपन पढ़ लेते हैं राजस्थान की स्थिति में अक्षांश और देशांतर। ठीक है, राजस्थान की स्थिति में अक्षांश और देशांतर ये पढ़ लेते हैं। तो देखो राजस्थान है ये उत्तरी गोलार्ध में है। मैंने आप ये आपको बताया था शुरू में कि राजस्थान है ये उत्तरी गोलार्ध में है, क्योंकि यहाँ पर है भारत। ठीक है, यहाँ पर है भारत, तो ये उत्तरी गोलार्ध में है, ये आपको याद रखना है राजस्थान। और देशांतर की अगर अपन बात करें तो ये दोस्तों देखो पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है, देशांतर में अगर अपन बात करें तो दोस्तों ये पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, तो देखो राजस्थान की स्थिति अक्षांश एवं देशांतर के अनुसार उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है राजस्थान की स्थिति, याद रखना। भारत के अनुसार राजस्थान की स्थिति है वो उत्तर पश्चिम में है। ठीक है, राजस्थान की स्थिति है वो भारत के उत्तर पश्चिम में है, सीधा सा सिंपल सा है, आप सभी को पता भी होगा। ठीक है, अब अक्षांशीय विस्तार देखते हैं। सबसे पहले अपन
कि राजस्थान का जो अक्षांश विस्तार है वो देखो, तो देखो अक्षांश विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट। ठीक है, यहाँ तक दोस्तों इसका जो उत्तरी अक्षांश, ये अक्षांश है, ठीक है, अक्षांश रेखा है, वो अक्षांश कितने डिग्री से कितने डिग्री पर है, तो 23 डिग्री 3 मिनट से लेके 30 डिग्री 12 मिनट तक। ठीक है, अब इनका जो अंतर है वो दोस्तों कितना है, तो वो अंतर रहेगा इसमें 7 डिग्री 9 मिनट का, यानी कि ये 7 डिग्री 9 मिनट पर राजस्थान आता है। ठीक है, 7 डिग्री 9 मिनट के अंदर अंदर राजस्थान आता है। ठीक है, स्थान बोरकुंडा, अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें देखो 23 डिग्री 3 मिनट है, ये राजस्थान के सबसे निचला वाला हिस्सा है। ठीक है, राजस्थान का सबसे निचले वाला हिस्सा है, जो उस गांव का नाम है बोरकुंडा गांव। ठीक है, ये बांसवाड़ा में पड़ता है, यहाँ पर आता है दोस्तों 23 डिग्री 3 मिनट। ठीक है, और जो सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर की अगर अपन बात करें तो सबसे ऊपर गंगानगर है, और गंगानगर का एक गांव है जिसका नाम है कोणा गांव। ठीक है, वो स्थित है दोस्तों 30 डिग्री 12 मिनट पर, 30 डिग्री 12 मिनट पर दोस्तों ये स्थित है। कौन सा गांव, तो ये कोणा गांव श्री गंगानगर में पड़ता है। ठीक है, अब देखो अपन ने इसकी जो अक्षांश है वो पढ़ लिया, अब इस अक्षांश रेखा की राजस्थान में लंबाई है वो कितनी है, तो इस अक्षांश रेखा की राजस्थान में लंबाई है दोस्तों दक्षिण से उत्तर की तरफ। ठीक है, दक्षिण से उत्तर की तरफ बढ़ रही है, ना कि उत्तर से दक्षिण की तरफ। ठीक है, याद रखना है कि यूं बढ़ रही है, दक्षिण से उत्तर की तरफ बढ़ रही है, तो इसकी जो लंबाई है वो दोस्तों कितनी है, तो 826 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। ठीक है, अब देखो 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांश रेखाओं में राजस्थान का विस्तार है, यानी कि मैंने अभी आपको बताया था कि 7 डिग्री 9 मिनट का जो अक्षांश रेखा है उसके अंदर अंदर राजस्थान है। ठीक है, अक्षांश विस्तार इसका। अब देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, अगर आपने राजस्थान देखा है, ठीक है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ राजस्थान। ठीक है, ये राजस्थान है। ठीक है, अब इसमें देखो हमने ये वाला पार्ट की बात करी है अक्षांश रेखा की। ठीक है, सबसे बीच में वाला पार्ट में इसकी लंबाई है कितनी, 826। ठीक है, और ये 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांश के अंदर अंदर है ये वाला पार्ट। ठीक है, यानी कि कोणा गांव से बोरकुंडा गांव तक। अब देखो अब जो क्वेश्चन आ रहा है ना वो बहुत शानदार लेवल का क्वेश्चन है। तो देखो राजस्थान को उत्तरी एवं दक्षिणी दो भागों में बांटता है, तो राजस्थान को उत्तरी और दक्षिणी दो भागों में कौन सी डिग्री या कौन सी रेखा बांटती है, तो दोस्तों कौन सी रेखा बांटती है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 26 डिग्री 30 मिनट। 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश है वो दोस्तों राजस्थान को दो भागों में बांटती है। याद रखना दोस्तों 26 डिग्री 30 मिनट अक्षांश, उत्तरी अक्षांश रेखा है ये दोस्तों राजस्थान को दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, याद रखना बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब देखो इसमें एक और चीज है 23 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, यहाँ से दोस्तों कर्क रेखा गुजरती है और इसको उत्तरी अयनात रेखा भी कहते हैं यहाँ से। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को, 23 डिग्री 30 मिनट से दोस्तों कर्क रेखा गुजरती है। अब देखो मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ राजस्थान की स्थिति में, तो 21 जून है वो दोस्तों बहुत ही स्पेशल दिन है राजस्थान के लिए। अब वो स्पेशल क्यों है, तो देखो मैं आपको बता देता हूँ कि स्पेशल क्यों है। तो देखो इस दिन कर्क संक्रांति होती है, मकर संक्रांति है वो अलग होती है दोस्तों। ठीक है, तो कर्क संक्रांति ये अलग होती है, तो कर्क संक्रांति का मतलब होता है कि सूर्य की स्थिति कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, यानी कि सूर्य की जो किरणें हैं वो कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, डायरेक्ट पड़ती है। ठीक है, तो वो पड़ती है 21 जून को।
ठीक है। 21 जून को ये कर्क संक्रांति आती है और इस दिन सूर्य की जो किरणें हैं ये कर्क रेखा पर, जो राजस्थान में कर्क रेखा कहाँ पर है, तो ये बांसवाड़ा डूंगरपुर से होती हुई जाती है, ठीक है, तो वहाँ पर है, ये सीधी पड़ती है, ठीक है, याद रखना। राजस्थान या उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून। 21 जून है वो राजस्थान या राजस्थान व उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, का सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून। और दोस्तों सन 2015 में इसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। 2015 से दोस्तों इसको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो दोस्तों कर्क संक्रांति, अब आपको दो चीज़ इसमें याद रखनी है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो वो 21 जून को मनाया जाता है, और कर्क संक्रांति कब आती है तो वो भी आती है दोस्तों 21 जून को, ठीक है। अब देखो अक्षांश रेखाओं को जलवायु रेखा कहा जाता है, ठीक है, अक्षांश रेखाओं को जलवायु रेखा कहा जाता है। अब अपन देखते हैं राजस्थान की देशांतरीय स्थिति विस्तार, ठीक है, राजस्थान की देशांतरीय स्थिति विस्तार देखेंगे। अब तक तो अपन ने पढ़ा था कि अक्षांश रेखा, ठीक है, अब अपन देशांतर रेखा पढ़ेंगे, ठीक है, याद रखना, बहुत अच्छी चीज़ आने वाली है इसमें। तो देखो देशांतर रेखा है वो कितनी है, तो देखो 75.5 पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री पूर्वी देशांतर तक, ठीक है, यानी कि दोस्तों आपको यहाँ पे दिख रहा होगा पश्चिम से पूर्व की तरफ यहाँ पे बढ़ रही है, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ रही है ये रेखा, ठीक है, तो 75.5 से 78 डिग्री 17 मिनट के अंदर ये देशांतरीय रेखा है। और इन दोनों को अगर माइनस कर दिया जाए तो दोस्तों कितना आएगा, तो 8 डिग्री 47 मिनट आएगा इसमें, 8 डिग्री 47 मिनट आएगा, और इसी के अंदर राजस्थान स्थित है। देखो अक्षांश रेखा की अपन ने बात की थी तो 60 डिग्री 9 मिनट के अंदर था, ठीक है, और देशांतर रेखा की बात करें तो 8 डिग्री 47 मिनट के अंदर अंदर राजस्थान है, ये राजस्थान की स्थिति के अंदर आता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो 75.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर जो गांव स्थित है वो गांव कौन सा है, ठीक है, उसके बारे में अपन देखते हैं, तो वो गांव है कटरा गांव। कटरा गांव है, ये बॉर्डर के ऊपर पड़ता है, ठीक है, और जैसलमेर क्षेत्र में ये आता है, यानी कि जिला जैसलमेर, ठीक है, कटरा गांव 75.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर ये गांव आता है, ठीक है। अब अपन पूर्व की तरफ बात करते हैं तो 75.5 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, तो यहाँ पर दोस्तों एक गांव है सिलाना, ठीक है, और ये सिलाना गांव कहाँ पड़ता है, ये धौलपुर में पड़ता है, ठीक है, सिलाना गांव है ये धौलपुर में पड़ता है, और ये 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब देखो यानी कि पश्चिम से पूर्व की तरफ अगर अपन चलते हैं, यानी कि कटरा से सिलाना की तरफ चलते हैं, तो दोस्तों उनके मध्य जो बीच की दूरी है वो कितनी है, तो वो दूरी दोस्तों आपको देखने को मिलेगी, वो है 800 किलोमीटर, 800 किलोमीटर दोस्तों आपको ये टोटल है ये लंबाई मिलेगी, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ नोट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, तो यहाँ पे नोट करने योग्य बातें हैं, 8 डिग्री 47 मिनट में राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है, ठीक है, तो सीधा सा सिंपल है, अक्षांश रेखाओं का कितना था तो 60 डिग्री 9 मिनट, और देशांतरीय रेखाओं का कितना है तो 8 डिग्री 47 मिनट में, ठीक है। 74 डिग्री पूर्वी देशांतर राजस्थान को पूर्व एवं पश्चिम दो बराबर भागों में बांटती है, ठीक है, उसको मैंने आपको बताया था कितने डिग्री, 26 डिग्री 30 मिनट, ठीक है, और इसमें है 74 डिग्री है ये राजस्थान को दोस्तों पूर्व और पश्चिम को दो भागों में बांटती है, ठीक है। और ये देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये तो अक्षांश रेखा है और ये देशांतर रेखा है, अब ये बीच में जहाँ पर टकराती है,
दोनों एक जगह टकराती है और वो राजस्थान का मध्य गांव हो जाता है। तो वो गांव कौन सा है, तो वो हो जाता है लापोलाई गांव, नागौर में पड़ता है, वो हो जाता है दोस्तों राजस्थान का मध्य गांव, ठीक है। और 74 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ये राजस्थान को पूर्व एवं पश्चिम दो भागों में बांटती है, ठीक है। तो मैंने आपको इसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ें बताई है वो अक्षांश में, अक्षांश रेखाओं में बताई है, एक तो कि उत्तर से दक्षिण को दो बराबर भागों में कौन सी रेखा काटती है, तो दोस्तों मैंने आपको बताया था 26 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। और पूर्वी देशांतर में मैंने आप देशांतरी विस्तार में मैंने बताया आपको जो 74 डिग्री है जो रेखा है वो दोस्तों पूर्व से पश्चिम यानी कि पूर्व और पश्चिम के बीच में बराबर में बीच में है, ठीक है। और ये राजस्थान को दो भागों में बांटती है, ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब देखो देशांतर रेखाओं को समय एवं तिथि रेखा भी कहा जाता है, ठीक है। देशांतर रेखाओं को समय और तिथि रेखा भी कहा जाता है। एक देशांतर मतलब 4 मिनट और एक डिग्री देशांतर 4 सेकंड, तो अपन मान सकते हैं 4 मिनट, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि ठीक है, तो ये एक देशांतर है ये 4 मिनट और ये 1 मिनट देशांतर ये 4 सेकंड का होता है, ठीक है। तो देखो इसमें राजस्थान के पूर्व एवं पश्चिम में समय का कितना अंतराल है, ठीक है। पूर्व से पश्चिम में समय का कितना अंतराल है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि पूर्व से पश्चिम देशांतर के अंदर जो कितने डिग्री के अंदर राजस्थान स्थित है, तो वो दोस्तों डिग्री के अंदर है 8 डिग्री 47 मिनट के अंदर ये स्थित है पूर्व से पश्चिम, ठीक है। अब अपन मैंने आपको बताया यहाँ पे 1 डिग्री 4 मिनट पे है, तो अपन क्या करेंगे, डिग्री यहाँ पर कितनी है तो 8, तो 8 को क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 32। फिर मैंने बताया कि एक मिनट यहाँ पे 1 मिनट है, ठीक है, 1 मिनट बराबर इसमें 4 सेकंड हो जाएगा। तो दोस्तों अपने को क्या करना है कि ये 47 दे रखा है यहाँ पे, यानी कि 8 डिग्री 47 मिनट दे रखा है, तो 1 मिनट बराबर दोस्तों 4 सेकंड होते हैं, तो दोस्तों 47 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 47 को दोस्तों 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा दोस्तों 188 सेकंड आ जाएगा। तो दोस्तों अपन क्या करेंगे, अब इसमें कितने मिनट और हो रहे हैं, तो दोस्तों इसमें देखो 60 सेकंड का 1 मिनट होता है, तो 18 यानी कि 180, तो दोस्तों 35 मिनट यानी कि 3 मिनट और ऐड हो जाएंगे इसमें, तो 35 मिनट और 8 सेकंड का समय अंतराल है दोस्तों पूर्व से पश्चिम के समय के बीच में, ठीक है। अब दोस्तों कल अपन इसका जो राजस्थान का विस्तार है, क्षेत्रफल, आकृति, सीमा, ये पढ़ेंगे। आज अपन ने सिर्फ राजस्थान की स्थिति देखी थी कि क्या स्थिति है, तो दोस्तों अब मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के पास में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं वो ऐसे वीडियो को देख सकें, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।